नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड उसका बाजार के उटिया गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चौपाल के माध्यम से मन की बात सुनाया गया और सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की कार्यों की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों को बताया कि भाजपा सरकार में ज्यादा विकास कार्य किया जा रहा है और शिक्षा को लेकर सरकार भी सकता है और गरीब परिवार के लोग सोच भी नहीं सकते थे कि चूल्हा पर भोजन पका सकेंगे, लेकिन जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले गरीब परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया है। लोगों को महीने में फ्री राशन मिल रहा है, फ्री घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ भी मिल रहा है। ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनी, सभी महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आज का कार्यक्रम तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के मन की बात का अवसर था और आज प्रधानमंत्री जिस तरह से इस देश के लोकतांत्रिक देश की जनता ने जिस तरह से लोकतंत्र किया, लेकिन आज विश्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत है। एक भारत की जनता प्रबुद्ध हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, अपने सोच समझ करके जो जनादेश का निर्णय लेती है आज वो पूरे विश्व के सामने उदाहरण बना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में 2019 में प्रचंड बहुमत देकर के और आज केंद्र की सत्ता बनाई और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद 2/3 बहुमत से जिस तरह से फिर भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनाई, इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। और जब लोकतंत्र मजबूत हुआ तो आपने देखा कोविड की वैश्विक चुनौती रही हो तो 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन देने वाला कोई देश है तो दुनिया में केवल भारत है। इसकी सराहना WHO ने नरेंद्र मोदी जी की किया कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का प्रबंधन अच्छा किया। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 5 किलो प्रति यूनिट 80 करोड़ लोगों को 2 साल से लगातार मुफ्त खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है पूरे विश्व में खाद्यान्न का संकट, अन्न का संकट, भोजन का संकट बढ़ रहा है, पेट्रोलियम का संकट बढ़ रहा है। वहाँ आज भी भारत मुफ्त अपने देश के सभी देशवासियों को मुफ्त गल्ला देने का काम कर रहे हैं। और आज जहाँ नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में 400-500 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल के दाम हो रहे हैं, आज भी हम अपने मूल्यों को नियंत्रित किया। तो ये मन की बात में जिस तरह से देश ओलंपिक की बात कही थी, खेलों में पदक के लिए हमारे नौजवान नए नए विधायक कर रहे हैं, स्पेस में स्टार्टअप में जिस तरीके से पूरे कन्याकुमारी कश्मीर के ग्रामीण जालों के इलाकों के लड़के आज नए नए याद कर रहे हैं, ये अवसर था। और इस अवसर पर हम लोग यहाँ आए थे और गाँव वासियों के बीच मन की बात किया। हम यहाँ के एक बूथ पर भाजपा को कम वोट मिला था तो आज हमने ये भी पूछा कि आखिर जब हम सारी योजनाएं चला रहे हैं तो इस बूथ पर कम वोट क्यों मिला है। लोगों ने कहा कि साहब हम संतुष्ट हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 हो, उज्ज्वला हो गैस का चूल्हा, या सौभाग्य बिजली का कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री यहाँ कुछ कठिनाई है। मैनपुरी जनपद के कोरावली तहसील के गांव गणेशपुरा में बहादुर सिंह फौजी के खेत में खेत के समतलीकरण के दौरान 3,000 से अधिक वर्ष पुराने हथियार निकले। खेत स्वामी ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे SDM ने जमीन से निकले पुराने हथियारों को कब्जे में लेकर पुरातत्व विभाग को सूचना दी। इन हथियारों की संख्या 39 है, उनका वजन 40 से 50 किलो के बीच में है। 3,000 साल से अधिक पुराने हथियार है, भाला, तीर, गैंती जैसी किस्म के हथियार हैं। हथियार कई धातु के हैं। वहीं गांव के प्रधान प्रतिनिधि राजीव कुमार ने कहा बहादुर सिंह फौजी के खेत में खुदाई के दौरान मिले हथियार पुराने हैं, दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। SDM के साथ आई पुलिस ने सारे हथियार जब्त कर अपने साथ ले गई। पुरातत्व विभाग की टीम भी जांच के लिए आई हुई है, जांच के बाद ही पता चलेगा किस युग के हथियार हैं। मेरा नाम राजीव कुमार है, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत शरीफ। अच्छा, ये जो गणेशपुरा में खुदाई के दौरान कुछ सामान मिला है, क्या है ये सामान? ये पुराताशा काल में जो लड़ाइयाँ होती रही उसके यूज करने का सामान, जैसे भाला है, तीर है, ऐसे कुछ मतलब नुकीले सामान है। तो ये प्राप्त कैसे हुआ है? ये खुदाई के दौरान, ये मतलब खेत को प्लान कराया जा रहा था
उसकी खुदाई के दौरान ये सामान मिला है। अच्छा, तो कितना होगा इसका वजन, कितना होगा सामान? 40-45 के आसपास होगा। गुजरात के भावनगर में सरकार द्वारा उद्घाटन समारोह का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ जागरूकता पैदा करना है, जो आज उमराला तालुका के लंगना गांव में देखा गया। दरअसल उमराला तालुका के लंगना गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों का कन्या कैलवाड़ी महोत्सव और स्कूल प्रवेश समारोह के आयोजन में स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्तन विभाग के सहायक अधिकारी श्री हिरेन भाई सौंदरवा ने इस गाँव की एकता और शिक्षा से जुड़े दानदाताओं की भावना की सराहना की। उल्लेखनीय है कि यहाँ के दो स्कूल को विभिन्न सामग्री सहायता के लिए स्थानीय ग्रामीणों और दानदाताओं का पूरा सहयोग प्राप्त है, जिनके प्रति आभार के साथ कार्यक्रम का स्वागत किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने थाना पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। मृतक गौतम के परिजनों के अनुसार देर रात्रि 12 बजे के करीब पुलिस ने घर में दबिश देकर युवक को पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने गौतम की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। 30 वर्षीय युवक गौतम की मौत हो जाने के बाद पुलिसकर्मी शव फेंक कर मौके से भाग गए। परिजनों ने थाना मैरापुर व चौकी अचरा के पुलिसकर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजन गांव से नहीं उठने दे रहे थे शव, डीएम को मौके पर बुलाने की कर रहे थे मांग। युवक की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम। थाना मैरापुर क्षेत्र के गाँव बरहमपुर का है मामला। कहाँ रहते हो? अच्छा, ये कौन है जो इनकी मौत हुई? भाई है। क्या नाम इनका? गौतम सिंह। अच्छा, क्या मामला है पूरा है? क्या मामला क्या है? ये घर लेटे थे, हम भी लेटे थे, और हम छत पे थे, ये नीचे थे। पुलिस हमारे घर पे गई और इन्हें पकड़ के ले आई। कौन थाने पुलिस थी? थाना मीरापुर चौकी अचरा। टाइम क्या था? टाइम 12:30 था, 1 के बीच का टाइम था। और हमारे जाके हमने माँ ने हमें ऊपर सो रहे थे, हमें उठाया जाके, हमारी माँ ने कही कि बेटा पुलिस आ गई, तेरे भाई को पकड़ के ले गई। क्या था इनके ऊपर केस? क्या था इनके ऊपर केस? कुछ भी नहीं है, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं है, एक भी नहीं है। फिर क्यों आई? पहले केस, कुछ भी केस नहीं है, और वैसे केस सब फारिग चल रहे हैं, कोई केस वेस्ट उन पर है नहीं। और हमारे घर पे गई, वहीं ने उठा लाया, हमारी माँ ने हमारे जाके बताया किला तो भैया पुलिस पकड़ के लगी। हम इनके पीछे पीछे, पर हमने बूजी किधर गई या किधर ही गई, हम इनके पीछे पीछे आए तो यहाँ आके देखा कि जितने पुलिस वाले थे डिपार्ट के, 8-10 जो थे पुलिस वाले, वे इन्हें यहाँ मार रहे थे। और हमने वहाँ देखा और वे हमें आने नहीं दे रहे थे, एक ने हमें वहाँ रोक रखा था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, वे मार के और भग के, मार के और छोड़ के चले गए। हमने आया और आके यहाँ पर देखा कि बीच गिरा था, और मैंने उठाया, हमने देखा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों के पीछे गया मैं, भग के वहाँ तक, उन्होंने उससे मुझे धमकी दी, चल तुझको भी बंद करेंगे, चल के। और मैं फिर मुझे वहाँ की जाग ऐसे नंगे पैर भग रहा था, और नंगे पैर ठेबे लग गई हमारे, वहाँ गिर गया, और भी मुझे उठाया नहीं उन्होंने, और भी भग के ऐसे चले गए। फिर हम पीछे इनके पहुँचे, फिर हम वहाँ पहुँचे, भग के जहाँ गाड़ी इन्होंने खड़ी कर रखी थी, फिर वहाँ तक जब तक पहुँचे हम पैदल, जब तक भी हमसे आगे निकल गए। आपके भाई पर कुछ तो मुकदमा होगा, ऐसे कैसे पुलिस आ सकती है? कुछ भी मुकदमा नहीं है, कोई पहले भी कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। फिर क्यों आई पुलिस? अब ये तो पता नहीं है। कोई भी मिल जाए पैसे के लिए ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, पकड़ ले जाते हैं। पैसे क्यों ले लेते हैं भाई? कोई ऐसा काम है कि पैसे क्यों ले लेते? काम क्या उनका, डेली का काम है उनका। अभी इसमें किसी को पकड़ लिया, लेकर चले गए, बस पैसे दिए सुबह बिना बजे। यूपी के एटा में पुराने आसिक को रास्ते से हटाने और मुआवजा राशि हड़पने के लिए रची किशोरी के साथ मिलकर एसिड अटैक की साजिश। घटना सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर हुआ मामले का खुलासा। एसिड अटैक नहीं बल्कि स्कूटी से फिसलने से हुई थी नाबालिग किशोरी घायल। नाबालिग किशोरी ने दोस्त के साथ मिलकर रची एसिड अटैक की झूठी कहानी। इस साजिश के माध्यम से अपने पुराने आसिक से छुटकारा पाना चाहती थी किशोरी। पुलिस की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पकड़े गए अभियुक्त जीसान ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर रची एसिड अटैक की काल्पनिक कहानी का हुआ खुलासा। एसएसपी उदय शंकर के निर्देशन पर इंटेलिजेंट विंग टीम और थाना कोतवाली नगर टीम ने किया घटना का पर्दाफाश। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के शांति नगर में हुई थी घटना। एक तो जो एसिड अटैक का कल आरोप लगाया गया था यूपी द्वारा, आज पुलिस ने खुलासा किया है, पूरा क्या खुलासा है और किस प्रकार की घटना।
देखिए दिनांक 24 तारीख को थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीर दी गई पीड़िता की मां के द्वारा कि उसकी किशोरी पर तेजाब से दो युवकों ने हमला कर दिया जिससे उसके चेहरा झुलस गया। इस प्रकार की सनसनीखेज एक तहरीर दी गई जिसके आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजा। तदुपरांत जब पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन प्रारंभ की तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया जिसमें पीड़िता दिनांक 23 तारीख को स्कूटी से पलटती हुई दिख रही है और पीछे एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ की तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में स्कूटी जिस साइड में गिरी थी उस साइड में कई घिसटने और अगड़ने की चोटें आई हुई हैं। तदुपरांत पुलिस ने और गहराई से छानबीन करते हुए स्कूटी का पता लगा लिया, स्कूटी को कब्जे में ले लिया, स्कूटी ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने इस पूरी घटना का पूरा घटनाक्रम झूठी साजिश एक बनाई हुई थी। और इस प्रकार से जो झुलसने के मार्ग थे, डॉक्टर से जब पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो चिकित्सक ने बताया कि ये रगड़ के निशान से इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना की झूठी पटकथा रचने वाले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा प्रारंभिक तथ्य के आधार पर भेजे गए आरोपी को माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस अलग से रिपोर्ट प्रेषित कर रही है। ये जो साजिश रची थी क्यों रची गई थी? ये साजिश इसलिए रची गई कि परिवार की चोरी से पीड़िता के एक दोस्त ने अपनी स्कूटी एक दोस्त से लेकर पीड़िता को स्कूटी सिखा रहा था। सिखाते समय स्कूटी घिसट के गिर गई। भेद ना खुल जाए क्योंकि परिवार वाले उस दोस्ती पर आपत्ति करते थे, इस कारण उसने इस प्रकार की झूठी एक पटकथा रची तथा एक उद्देश्य इसमें यह भी पाया गया कि इससे पीड़िता को काफी आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि प्राप्त। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने बताया कि दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए यूआईडी कार्ड बनाने के लिए पुराने शहर के सैलानी में शिविर आयोजन किया गया है जिसमें शहर भर के अलग अलग मोहल्लों के दिव्यांगजनों ने शिविर का लाभ लिया। अकाउंटेंट शाहिद हुसैन ने कहा ये शिविर जिला दिव्यांगजन पूर्ववास केंद्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बरेली द्वारा संपन्न किया गया जिसमें ईयूडी आईडी बनाने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग हितों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारियां उपलब्ध कराई गई। आज आप यहाँ कैंप पे आए, किस तरीके की सुविधाएं आपको मंजूर हैं? ये था कि मेरा आज तक कोई कुछ भी नहीं था, जहाँ भी जाता था मुझे पहला देते थे कि मतलब कल लाना परसों आना, तो इस चक्कर में फिर मुझे उसका आता था तो मैं कहीं जाने आना मैंने बंद कर दिया था। ना आज तक कोई पेंशन है, कुछ भी नहीं है, खाली रोड बेस का एक बन गया था वो भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में पास, बस वो ही लाभ है, बाकी उसके बाद में आज तक कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आया तो मेरा फॉर्म भरा गया है, बाकी अब देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है, जो भी जैसा जो भी होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के केटीटी पब्लिक स्कूल परिसर में निर्मित महाराणा प्रताप भवन के सभागार में दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के खुले अधिवेशन व कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर HB सिंह के साथ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू व महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी सहित विभिन्न प्रदेशों से आए प्रदेश के अध्यक्ष व पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यकारिणी की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो गई थी जिसमें विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष सहित पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, कर्नल बच्चन सिंह राणा व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू की उपस्थिति में बैठक शुरू की गई।
क्षत्रिय समाज के विभिन्न महापुरुषों को जाति के बंधन में जोड़कर प्रस्तुत करने वाले विभिन्न टीवी चैनल व अखबारों पर प्रतिबंध लगाना, सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना सहित तमाम मुद्दे शामिल होंगे। आज की प्रेस का क्या होगा? आज मुझे एक मत से फिर 3 साल के लिए लोगों ने निर्वाचित किया है, नियुक्त किया है, उनका सबका आभार मानता हूँ। हमारे साथ महामंत्री रघुवंश सिंह राजू जी हैं, बच्चन सिंह तेजर हैं, 3 पोस्ट का निर्वाचन हुआ है, बाकी हम लोग आपस में सहमति से कमेटी बनाएंगे। क्षत्रियों का थोड़ा सा जो काम है बदल गया है, पहले हम लोग तलवार चलाते थे, अब हम सबसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पेन की ताकत, कलम की ताकत दें, तलवार प्रासंगिक नहीं रही है। सब लोग ध्यान भी दे रहे हैं, दहेज रहित शादियाँ हों और दहेज का पैसा लड़की के हायर एजुकेशन पर खर्चा हो, अच्छी बहुएँ लाइए जो आपका घर बना देंगी, थोड़े से पैसे के लालच में गलत लड़की बतलाइए घर में, और थोड़ा सा पैसा जब कम हो जाता है तो उसके लड़की के पिताजी उसकी पढ़ाई कट करके दहेज देने के लिए पैसा रख देते हैं। जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको मतलब खत्म की जाए। भगवान राम की धरती पर हम हैं, उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए थे, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोगों को आदिवासियों तक, गरीबों तक पहुँचना चाहिए, वो हमारा धर्म रहा है। भगवान राम ने जो कुछ शिक्षा दिया है, जो उनकी सहनशीलता रही है, वो सब हम लोग उतारेंगे अपने अंदर, यही यहाँ का मैसेज है। और देश कैसे आगे जाएगा, अभी आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को, मुर्मू को, राष्ट्रपति की पोस्ट दी जा रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उन्होंने अंतिम व्यक्ति को भी सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठाने का साहस किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और पूरा क्षत्रिय महासभा उनकी अभिनंदन करती है। भगवान राम का जो मैसेज है वो लेके हम लोग जा रहे हैं कि अंतिम क्षण तक साहस को नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब भी साहस नहीं खोते हैं, उनको नागफांस लगता है तब भी साहस नहीं खोते हैं, और अयोध्या से सेना नहीं मंगाते हैं, भालू बंदरों को सेना लेके, आदिवासियों को लेके, रावण जैसे प्रतापी राजा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ये सत्य की विजय होती है, तो उसी आदर्श पे हमको चलना चाहिए, हम उसी खानदान से हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम भी एचबी सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ रखा गया, डॉक्टर एचबी सिंह के नेतृत्व में साकेत कॉलेज चला है, इन प्रिंसिपल रहे बहुत दिन तक, और करीब 80 से ज़्यादा बच्चे पीएचडी हुए इनके अंडर में, एक छोटी बात संख्या नहीं है, बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उन्होंने बहुत अच्छा माल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।